वाशुक के ये तीन हॉस्पिटल रखे थे, इसमें के 5 यानी 25 करोड़। यानी अफसोस के साथ कहना पड़ता है जनाब स्पीकर साहब, वाशु के कैसे पासमानदा डिस्ट्रिक्ट के हेल्थ के हवाले पे हर बार रुपया खर्च किया जाए मगर कम है। मगर जनाब स्पीकर साहब, मैं सरदार अब्दुलरहमान साहब से एक बहसियत, एक वाशु के नुमाइंदा सीएम साहब भी बैठे हैं हमारे, कुद्दूस साहब यंग नौजवान है, अल्लाह ताला उसकी उम्र दराज करे। सरदार साहब, बात यह है इस वीडियो में, इस मोबाइल में तकरीबन 2019 से लेकर यानी एक महीना पहले मैंने वाशुक के जितने कामों का मैं विजिट करता था, सरदार साहब आपके नॉलेज में लाता हूं, कोई मेरा सुनने में कोई नहीं था, सुनने वाला कोई नहीं था। मैं सेक्रेटरी को कहता था, चीफ को कहता था, अथा कि जनाब स्पीकर साहब मैं नैब के भी दरवाजे मैंने टकटकाए। मैंने कहा खुदा रहा या ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, खुदा रहा ये इंक्वायरी टीम कोई भेजे, क्यों दी ग्राउंड कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जनाब स्पीकर साहब, अगर खुदा ना खास्ता मैं झूठ बोलता हूं, ग्राउंड में जाके चेक करें, मालूमात करें कितने काम हुए हैं कितने नहीं हुए। एक्सीएनओ ने मिल के ठेकेदारों के साथ हरबा खरबा रुपए करप्शन किए। अभी सरदार साहब आपसे एक रिक्वेस्ट है, अल्लाह ताला ने अभी आपको लाए मिनिस्टर रहे, एक रिक्वेस्ट है, एक दो टीम सीएनडब्ल्यू के, आप कल परसों 10 दिन 15 दिन के बाद आप भेज दें कि जितने प्रोजेक्ट हैं 10-15 सालों में हेल्थ के हैं, एजुकेशन के हैं, रोड के हैं, जो भी हैं, उन सब के तहकीकात कराएं। शुक्रिया जावेद अली लेखी साहब जी, कितने करप्शन हुआ है कितने नहीं हुए जी।